देश के लिए कुर्बान होने वाले भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी गई डायरी अब आम इंसान भी पढ़ पाएंगे। यह कहना है भगत सिंह के छोटे पोते यादविंदर सिंह का, जिन्होंने भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी गई डायरी के पन्नों को एक किताब में तब्दील किया। देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले शहीद भगत सिंह की कुर्बानी के किस्से तो अभी तक साहित्य व किताबों में ही पढ़े जाते हैं, लेकिन अब शहीद भगत सिंह की जीवन शैली खुद भगत सिंह द्वारा जेल में लिखी गई डायरी के पन्ने आम पाठक भी पढ़ सकेगा। भगत सिंह के छोटे पोते यादविंदर सिंह ने उनकी डायरी को एक किताब में तब्दील किया है, जिसमें भगत सिंह की सोच व कल्पनाएं उनकी लिखावट में हैं। इस किताब में भगत सिंह के विचारों के साथ साथ उनके परिवार के सदस्य व अन्य शहीदों की तस्वीरें भी मौजूद हैं और साथ ही कुछ पन्ने उनके द्वारा लिखी गई शेर व शायरी के भी हैं। इस बार लोगों से, यानी भारत के लोगों से या पंजाब के लोगों से, कहीं पे भी है जो हिंदुस्तानी या जो भगत सिंह जी के चाहने वाले हैं, इस बार सबसे पहली बार ये होगा कि भगत सिंह खुद संवाद करेंगे उनसे। उनकी क्या ओरिजिनल थॉट थी वो सबके सामने आएगी, यानी बम और पिस्तौल के आगे वो एक चिंतक थे, एक विचारक थे, वो पहलू लोगों के सामने देखने को मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड उनका स्कैन पेज होगा जो कभी नहीं आया है, और सेकंड पेज में उसका ट्रांसलेशन होगा। तो एक क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में, क्योंकि हम लोगों के बीच में जाते थे तो हर कोई हमसे कहता था कि भाई कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए जिसमें भगत सिंह का कुछ ओरिजिनल चीज़ हम अपने घर में रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। तो उसी लिए हमने इस किताब को, जेल डायरी को, एक किताब के रूप में स्कैन करके लाए हैं। क्योंकि देखिए, भारत सरकार से हमें हर बार ऑफर आती है भाई उसको आप आर्काइव्स में दो, म्यूजियम में दो, पर हम नहीं चाहते कि वो आर्काइव्स और म्यूजियम तक ही सीमित रहे, क्योंकि वहाँ रीच करना हर आम आदमी के लिए नहीं होता। तो एक किताब के रूप में हर आम आदमी उसको पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने घर में रख सकता है, ये हमारी सोच और पहल है। भगत सिंह की डायरी के बारे में बताते हुए उनके छोटे पोते यादविंदर ने कहा कि उनकी देश के प्रति क्या सोच थी, वह भारत को कैसा बनाना चाहते थे और भारत के संविधान के बारे में भी लिखा गया है। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही इस किताब का अनुवाद हिंदी व पंजाबी में भी निकालेंगे। तो लोगों का एक उनका ब्रेवरी पक्ष लोग जानते हैं, लोग ये जानते थे कि भाई वो डरते नहीं थे या वो अन्याय के खिलाफ लड़े, पर लोग ये नहीं जान पाते थे कि उन्होंने कैसा भारत सोचा हुआ था। वो एक समाजवादी विचार के थे, सोशलिस्ट विचार के थे, उसको कैसे उन्होंने डेवलप किया वो इस किताब के माध्यम से उनको जानने को मिलेगी। यूथ में बहुत क्यूरियोसिटी है कि वो भगत सिंह जी को और रिसर्च करना चाहते हैं, तो उनको रिसर्च करने में, समझने में, उनसे दोस्ती करने में ये किताब बहुत उपयोगी होगी। बिल्कुल हाँ जी, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप हिंदी है और पंजाबी है, क्योंकि अभी भी हमारा जो भारत है उसमें विलेजेस ज़्यादा हैं, गाँव ज़्यादा हैं, जहाँ पर अभी भी हिंदी को मेन लैंग्वेज माना जाता है। तो हिंदी में भी इसको हम अनुवादित करेंगे, यानी इसका ट्रांसलेशन करेंगे, ताकि वो और अच्छे से उनको उसको समझ सकें, और पंजाबी में भी बहुत जल्द आया जाएगा।